हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका लेट्स टॉक विद सैफ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में फरीदाबाद के अंदर एक लग्जरी सैलून की ओपनिंग हुई है। दोस्तों ये इतने बड़े लेवल पे सैलून ओपन किया गया है और इतना लग्जरी सैलून है दोस्तों फरीदाबाद में, अभी तक ये मुझे लगता है पहला सैलून है जिन्होंने अभी बहुत अच्छी शुरुआत की है फरीदाबाद में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल लाइफस्टाइल को लेकर हर कोई एक मोटिवेट रहता है और हर कोई लाइक अच्छा दिखना चाहता है, फिट एंड फाइन रहना चाहता है, चाहे वो दोस्तों फिटनेस इंडस्ट्री हो या दोस्तों वो लाइफस्टाइल हो। दोस्तों आजकल गर्ल्स ही नहीं बल्कि बॉयज भी स्टाइल में किसी से कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूँ, इस लग्जरी सैलून की ओपनिंग की थी उर्वशी रोटेला ने। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की फेमस सेलिब्रिटी, फेमस एक्टर एंड मिस यूनिवर्स रह चुकी उर्वशी रोटेला ने ही इस सैलून की ओपनिंग की थी दोस्तों। अभी हाल ही में ओपनिंग हुई है दोस्तों, और मैं पूरा सैलून विजिट कर चुका हूँ, सर्विस ले चुका हूँ, इवन सर्विस है दोस्तों, और एक राजा महाराजा वाला फील आता है आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरी सैलून ओपन किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लग्जरी सैलून की विजिट कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, यहाँ का जो लग्जरी एक्सपीरियंस है दोस्तों वो काबिले तारीफ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं और बताते हैं आपको। स्वागत है सर आपका लेट्स टॉक विद सैफ यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या है कि सर लाइफस्टाइल को लेके, चाहे वो फिटनेस इंडस्ट्री हो या लाइफस्टाइल हो, आज लोग बहुत सीरियस हो गए हैं। और जहाँ तक कि ये देखा जाता है सर, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ है सर, अक्सर जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो जितने भी हैं, जो स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात कहूँ, तो ये सर ये क्या है कि हर किसी के पास एक पर्सनल हेयर स्टाइलिश होता है या मेकअप आर्टिस्ट होता है,
बट कॉमन लोगों के पास ये चीज़ें बहुत कम ही पॉसिबल हो पाती है। बट सर आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि फरीदाबाद में आप एक लग्जरी सैलून आपने स्टार्ट किया है, तो सर मैं आप सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया एंड क्या आपके माइंड में ये क्लिक हुआ सर? सर स्टार्ट करने का हमारा मोटिव ये था बिकॉज रॉयल एसेंशियल जो ब्रांड है वो हमेशा डिपेंड करता है कि दो चीज़ों के ऊपर, एक क्लाइंट को सर्विस अच्छा देना और एक हाइजीन पार्ट। अगर जो हमारा सैलॉन है वो पूरा टोटली हाइजीन है और जो हमारी सर्विस क्वालिटी है वो जब तक आप एक बार आप विजिट नहीं करोगे तब तक उसको आप जज नहीं कर पाओगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आपने बोला कि हमारे पास जो ऐसे क्लाइंट हैं जो डेली NCR में ट्रैवल करते थे, तो उन्हीं क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जो भी क्लाइंट डेली NCR में ट्रैवल करता है एक अच्छी लग्जरी सर्विस के लिए, हाइजीन सर्विस और क्वालिटी सर्विस के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने फरीदाबाद के अंदर ये रॉयल्स सैलून की ओपनिंग करी है। ओके सर, जैसे कि सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट आपने बहुत बड़ी ओपनिंग भी की है और ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने उन लोगों को मद्देनजर देखते हुए ये सैलून फरीदाबाद में स्टार्ट किया जो लोग दिल्ली गुड़गांव जाया करते थे। उनका मुझे लगता है कि सर बहुत हद तक भी टाइम बच गया है और आने जाने का जो भी आजकल क्या है सर, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, तो अपने बिजी लाइफ शेड्यूल में से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस चीज़ को जहां तक आपने सर बहुत आसानी से सॉल्व किया है सर, तो सर मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर एंड जो भी क्लाइंट्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं उनका क्या फीडबैक रहा सर? सर फीडबैक की बात करें तो अभी बहुत अच्छा फीडबैक, अगर हमारे यहाँ गूगल रिव्यू चेक करेंगे, बिकॉज हर एक क्लाइंट को हम लोग गूगल रिव्यू के लिए बोलते हैं ताकि हमें भी पता लगे कि हमें कहाँ पर इंक्रीज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जो बोल रहे हैं रिस्पॉन्स स्लोली और ग्रेजुअली होगा बिकॉज अभी 6th को ही हमने ओपनिंग किया है, उसको ध्यान में रखते हुए तो अभी हमारा सब कुछ सॉर्टेड है सर, सही चल रहा है। ओके सर, देखा जाता है कि जो नॉर्मल सैलून्स होते हैं वो किसी भी तरह के या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं इजीली, तो सर अगर मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँ तो आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या जो आप भी क्लाइंट पर यूज़ करते हैं क्या वो खुद के ब्रांड्स हैं आपके सर? एग्जैक्टली सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज मेंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारी बियर्ड को ट्रिम, क्लीन करना और शेविंग, ठीक है जी सर। तो हमारे पास हमारे खुद के ब्रांड का शेविंग क्रीम भी है, प्री शेविंग ऑयल भी है एंड बियर्ड वॉश भी है, तो इट मीन्स हम लोग अपने ही ब्रांड का यूज़ करते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी हम लोग कोई भी सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट एक सर्विस को लेने के टाइम पे मिनिमम जो टाइम लगता है वो लगता है 30 से 35 मिनट, ठीक है। तो हमारी जो मिनिमम शेव है उसका भी टाइम 30 मिनट है, रॉयल्स एसेंशियल रॉयल्स जो शेव है उसका टाइम है 45 मिनट्स। और उसके दौरान अगर आप देखेंगे आपके पीछे ही हमारा चेयर है जी सर, दिखाइए। एक शेविंग के हर एक मेंस बार्बर चेयर के साथ हमने एक मसाज पॉइंट रखा हुआ, ठीक है, मसाज पॉइंट। तो इट मीन्स जी सर 30 मिनट क्लाइंट शेविंग भी करवा रहा है और साथ के साथ उनका फुट मसाज भी कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है जी। और इस फुट मसाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, वो आपके शेविंग के अंदर ही इंक्लूड है। ऐसे भी होते हैं स्पेशली जो कपल्स होते हैं सर, या वो अक्सर क्या होता है उनको ना सर प्राइवेसी सर्विस लेना ज़्यादा मिनटोसेंट के लिए ना सुटेबल होता है, मतलब उनको साथ में बैठ के सर्विस, हाँ जी, उनकी डिस्टर्बेंस। यस सर, तो क्या सर जी ऐसे क्लाइंट्स के लिए हमने जो है स्पेशली रूम डिज़ाइन किया है जिसको हम लोग रॉयल्स एलीट रूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एलीट रूम की खास बात क्या है कि यहाँ पर आप क्लाइंट किसी भी बिना डिस्टर्बेंस के यहाँ पर काम करवा सकता है, ठीक है। तो कपल जैसे आपने बोला तो दो लोग यहाँ पे इजीली बैठ के करवा सकते हैं सारी सर्विसेज जो बाहर हो रही है सेम अंदर ही। और बेस्ट पार्ट इस रूम का क्या है कि यहाँ पर जो चार्जेस बाहर है सेम चार्जेस ही अंदर है, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने अलग से उनको कुछ प्लेस दिया तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, सेम प्राइस रेट पे ही काम। तो ह्यूमिनिटी सर, आपका कहने का मतलब है कि जो क्लाइंट चाहे वो प्राइवेटली सर्विस लेना चाहे या वो हॉल में सर्विस लेना चाहे प्राइस सेम रहेगा? प्राइस सेम है, प्राइस में कोई डिफरेंशिएट नहीं। सपोज मैं अगर किसी काम का 100 रुपये बाहर ले रहा हूँ जी सर, वही 100 रुपये अंदर भी। बट सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहें कि सर हमें तो प्राइवेटली सर्विस चाहिए, तो उसमें आप कैसे मैनेज करेंगे? दो चीज़ें हमने रखी हुई है, एक अगर क्लाइंट वॉक इन करता है और हमारे पास रूम अवेलेबल है तो हम लोग उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, सेकेंड वो प्री बुकिंग भी करा सकते हैं कि हमें वहाँ पर अगर स्लॉट्स अवेलेबल होगा तो हमें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ये करना चाहूँगा कि फरीदाबाद के जितनी भी जो हाई फाई क्लाइंट्स हैं या जो बहुत अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं, जो एक लग्जरी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, बिकॉज कि हमारा क्राइटेरिया क्या है कि क्लाइंट को एक एक्सक्लूसिव सर्विस देना। एक्सक्लूसिव सर्विस इट मीन्स कि मेरे पास हर एक क्लाइंट के लिए एक डिफरेंट पर्सन है। अगर मुझे किसी को हेयर का काम करवाना है मैं बाहर करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को फेशियल करवाना है
और साथ में बॉडी स्पा करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रूम्स हैं, जी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और मेरा जो स्टाफ है वो ऑलरेडी हमारी गुड़गांव अकेडमी से ट्रेंड है। तो एटलीस्ट कोई भी स्टाफ हमारे पास जब यहाँ पर आया है तो वो ऑलरेडी 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आया है, और हमें क्या लगता है कि अगर वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर सेट नहीं है तो हम उसको सर्टिफिकेट देके अपने रोल्स के अंदर एसोसिएट नहीं करते। तो सर ये आपका स्पा रूम है? ये हमारा फेशियल एंड बॉडी स्पा रूम है। ओके। और हमारे पास एक स्पेशल रूम डिजाइंड है जो अभी हमने लेटेस्ट सर्विस, बिकॉज जब हमने स्पा का यहाँ पे सर्वे किया फरीदाबाद के अंदर, तो ऐसा कोई आयुर्वेदिक सेंटर हमें नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे आयुर्वेदा मसाज स्टार्ट किया है, जब आप फील ले सकते हैं आयुर्वेदा मसाज का भी। और इसके अंदर जो है हमारे खुद के अपने रॉयल एसेंशियल के एसेंशियल ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं, ताकि क्लाइंट को हम फील करा सके कि एग्जैक्टली रॉयल्स है क्या और उसके प्रोडक्ट्स क्या है। ओके सर, थैंक यू। तो फराज जी, आपका एक्सपीरियंस रॉयल सैलून में कैसा रहा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जॉइनिंग करी है, यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो वहाँ पे नॉर्मल ब्रांड्स पे ही, आप जानते होंगे कि वहाँ पे सारे नॉर्मल ब्रांड्स पे ही अब तक काम किया जाता था, यहाँ पे आके मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और नए ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं। हमारा रॉयल्स जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे हमें नई चीज़ देखने को मिली है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग से पहले मुझे ट्रेनिंग पे भी रखा गया था, ट्रेनिंग हमें पूरे 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई है, कम्युनिकेशन को लेके आपकी हर एक चीज़ पे बहुत वेल सेटल करके ही हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो थैंक यू फराज जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत ही लग्जरी सैलून आपने स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा सर आपको, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतू जी, जिन्होंने आज आपको और हमको रॉयल्स सैलून को विजिट कराया और एक लग्जरी एक्सपीरियंस फील कराया। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर आके सर्विस लेना चाहते हैं और एक लग्जरी फील लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ज़रूर आइए दोस्तों। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड शेयर करिए दोस्तों। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।